जो आंदोलन की मांग है वो वापसी की है। अब जो बीच में जो स्टे ऑर्डर दी है उसके बारे में कई एडवोकेट्स का ये कहना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर बोलते तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने इंटरिम ऑर्डर में ये कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है खुद, और कुछ एडवोकेट से भी मानते हैं कि उनको अधिकार होता है एक पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी भूमिका लेने का, और स्टे करना कोई इस आंदोलन की हार नहीं है। आपको ज़्यादा आंदोलनों में आंदोलन भी आपके पास 35 साल तक चला, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए केंद्र सरकार जो इस आंदोलन को अलग करना चाहती है लोगों से, लोगों को ये दिखाना चाहती है कि ये मामला बहुत लंबा चलने वाला है? बहुत कोशिशें चल रही हैं उनके, यही नहीं केवल वो कोर्ट के द्वारा जो करते हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन न्यायपालिका एक जनतंत्र का स्तंभ है, उसको मानते हैं, लेकिन न्यायपालिका ने भी न्याय करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए। कमेटी के चारों सदस्य स्पष्ट रूप से इन तीनों कानूनों के पक्ष में रहे हैं, और इसलिए उस कमेटी में क्या होगा आंदोलन को कैसे, लेकिन नहीं आंदोलन बहुत ही सशक्त है। यूनियन ऑफ इंडिया ने उनके एफिडेविट में इन्फिल्ट्रेशन की बात कही है कि, और कोर्ट के सामने भी रखा है बात कि भाई यहाँ कोई घुसे हुए हैं, घुसपैठ हो रही है। किसकी घुसपैठ? आज क्या है, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार हर जनतांत्रिक स्तंभ में एक दीमक जैसे घुस रही है, RBI हो, CBI हो, सब। तो उसको तो हम देखते हैं पब्लिक सेक्टर में घुसा रही है निजी कंपनियों को, अब एग्रीकल्चर में घुसा रही है, इसलिए तो आंदोलन चल रहा है। तो आंदोलनकारियों में कोई घुसपैठ नहीं है, जेन्युइनली किसान, मजदूर, पशुपालक, किसान से जुड़े हुए छोटे छोटे उद्योग सब जुड़े हुए हैं, और ये चित्र आज यहाँ आकर नजदीक से देखने वाला ही समझ सकता है। चीन और पाकिस्तान का फंड नहीं है, सिख समाज अपने आप में सशक्त है और समर्थकों का समर्थन है, इसलिए ये आंदोलन भरपेट चल रहा है। अन्यथा भूखे प्यासे भी लड़ते, हम लड़े हैं और लड़ेंगे भी। केंद्र सरकार ये बोल रही है कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब और हरियाणा का है, आप किसाना किसान जैकेट जो है आम आदमी पार्टी का दी जा रही है, लिखा हुआ है सुमेधा पाटेकर जो के आंदोलन के समर्थन के लिए आए ने। मेधा जी, मेरा सवाल था, हमारी आइडियोलॉजी चल जंगल जमीन बचाने वालों का, केंद्र सरकार बोल रही है कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब और हरियाणा का है, आप क्या सोचते हो कि कोशिश है अलग थलग कर रही? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि साउथ इंडिया में सारा कुछ सही है, केरला वाले भी खुश है, उन्होंने कहा करना। अच्छा, मैं आऊँ।